नौमी में अध्याय 14 प्राकृतिक संपदा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाम से ही लग रहा है प्राकृतिक पदार्थ। तो इसमें आप देखते हो प्राकृतिक पदार्थ मतलब हमें प्रकृति से जो प्राप्त होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। सूर्य ही यहाँ पर आपको मालूम है कि पृथ्वी में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा से ही हमारी जो फसल है वो उत्पन्न होती है। और प्राकृतिक पदार्थ हैं ताप, गर्मी, जल और भोजन। ये सारी चीजें क्या हैं, प्राकृतिक चीजें हैं जो कि हमें मिट्टी, वायुमंडल, हमारे जो चारों ओर परिवेश उसी से मिलता है। तो पृथ्वी पर कौन-कौन सी ये प्राकृतिक संपदा है जो बहुत ही आवश्यक है, तो आपको मालूम है जल, वायु, मिट्टी, प्रकाश, ये सब है। तो हम देखते हैं कि जो जल और वायु है तो इसके आधार पर हम पृथ्वी का जो वायुमंडल है हम उसको तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से तीन भाग हैं, वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो जो वायुमंडल की जो परत होती है, सबसे भारी परत जिस जमीन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल। नीचे जमीन होती है और ऊपर हवा रहती है। और 75% भाग में क्या है, पानी है। और ये पानी ऊपर भी है और नीचे जमीन के अंदर भी पाया जाता है। तो जो पानी वाला क्षेत्र है उसको हम क्या बोलेंगे, जल मंडल। और पृथ्वी पूरी चारों तरफ एक कंबल के समान हवा से ढकी रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वायुमंडल। तो इस प्रकार तीन मंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। तो जीवित चीजें, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है ये आपको पता है। तो ये तीनों अवयव स्थित होते हैं और वहां पर जीवन संभव हो जाता है। तो पृथ्वी का वह घेरा जहाँ वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल एक दूसरे से मिलकर क्या बनाते हैं, जीवन। क्या बनाते हैं, जीव। तीनों को मिला के हम बोलेंगे जीव मंडल। तो जीव मंडल तीन चीजों से मिलकर बना है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। तो ये यहाँ पर जैविक घटक भी हैं और अजैविक। अजैविक का दूसरा नाम क्या है, निर्जीव। निर्जीव को हम अजैव घटक भी बोल सकते हैं। तो वायु, जल और मृदा, ये क्या है, अजीव घटक हैं। तो ये तीनों है। अब हम तीनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं वायु के बारे में, क्योंकि वायु के बिना जीवन संभव नहीं है। और वायु मतलब ऑक्सीजन नहीं, वायु बहुत सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है। उसमें से एक गैस होती है ऑक्सीजन, जो हम सांस में लेते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है, नाइट्रोजन 78% के लगभग होती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन N2। और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब के संकेत आप पढ़ चुके हो, CO2, ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, 0.03%। और शुक्र, और आपको मालूम है ना, आठ ग्रह हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। बुध सबसे पास लग रहा है। शुक्र और मंगल में भी जीवन नहीं है, लेकिन वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। तो ये हमने बताया ग्रह के बारे में। अब हम चलते हैं कोशिका। कोशिका के बारे में पढ़ चुके हो, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। दोनों में ग्लूकोज अणुओं को तोड़ना, जो भोजन होता है उनका, ग्लूकोज उनके अणुओं को तोड़ना, उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा। और हम इसको तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, जरूरत होगी। ये ऑक्सीजन भोजन से क्रिया करेगा, उसको तोड़ेगा, ऊर्जा निकालेगा और कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति होगी। और इस प्रकार ऑक्सीजन उपयोग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में बाहर निकल आती है। तो इसमें केवल मनुष्य के क्रियाकलाप ही नहीं, जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमें, हम क्या करते हैं, जंगलों में लगी आग भी आती है, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वायुमंडल में स्थिर है, क्योंकि उसने उत्पन्न भी होती है। और हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से उसको ग्लूकोज यानी भोजन बना देते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और आप देखते हो ना, संगमरमर के पत्थर, ये चट्टानों के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग हो जाती है। कुछ समुद्री जंतु हैं, उनका जो कवच होता है, जैसे आपने घोंगा देखा, सीप देखी, उनका जो कड़ा कवच होता है वो भी कार्बोनेट से बना हुआ होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो जाता है। अब वायुमंडल की भूमिका, जलवायु के नियंत्रण में गर्म हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, तूफान आता है, तो ये सब क्यों आता है? आपको मालूम है, समुद्र के ऊपर की जो जलवायु है, जमीन के ऊपर की जो जलवायु है, उसके ताप में अंतर होता है दिन और रात के समय। तो जो वायु है वो ऊष्मा की क्या है, उचालक। और दिन के समय जो तापमान, यहाँ की पूरे वर्ष भर लगभग इस वायु के कारण ये ताप को क्या करती है, नियंत्रित करती है। और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करती है। कौन? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, वायुमंडल के बारे में, वायु के बारे में, कि किस प्रकार इसका कार्य क्या है, तापमान को नियंत्रित करना। चंद्रमा की सतह है, जहां वायुमंडल नहीं है वहां तापमान -190 सेल्सियस से 110 सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। मतलब वहां तापमान कम भी हो जाता है और इतना ज्यादा भी रहता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं है। और पृथ्वी में वायुमंडल है तो वहां पर तापमान क्या रहता है, नियत रहता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वायुमंडल है वो ताप को, अच्छा एक क्रियाकलाप करके दिखाया है कि हम एक गिलास पानी लें और दूसरी गिलास में हम मिट्टी या बालू भर दें और एक खाली बोतल ले लें बंद, उसका थर्मामीटर, आपको मालूम है ना, थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, ताप को नापते हैं। पूर्व के पाठ में आप पढ़ चुके हो, थर्मामीटर एक ताप मापक यंत्र है। तो हम थर्मामीटर लगा देते हैं और फिर हम इनकी क्या करते हैं, इसको हम तीनों बोतलों को हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में 3 घंटे तक रखते हैं और छाया में भी उनका तापमान नोट करते हैं। तो हम देखते हैं कि तीनों का तापमान में क्या आता है, अंतर आता है। जो जल से भर, जो मिट्टी से भरा था बालू से, तो उसका तापमान ज्यादा आया, क्योंकि वो उस गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के कारण बहुत देर तक वहाँ का हो जाता। और जो जल होता है, जल वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार हम एक क्रियाकलाप करके हम ताप नोट कर सकते हैं। अब वायु की गति पवन है। पवन मतलब कभी आपने देखा होगा ना, हवाएं बहुत तेज चलती हैं समुद्र के ऊपर। तो आपको यहाँ बताएंगे हम कि पवने कहाँ से कहाँ की ओर प्रवाहित होंगी। कई बार वर्षा हर जगह एक सी नहीं होती है, कहीं कम होती है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं वर्षा हो ही नहीं रही है। तो दिन भर जो गर्मी रहती है तो शाम को थोड़ी सी हम देखते हैं कि ठंडी हवा चलती है। और कभी कभी देखता है गर्मी के बाद हम देखते हैं बारिश का मौसम आता है, तो गर्मी में क्या हो जाती है, जलवाष्प ऊपर एकत्रित हो जाती है और वही जलवाष्प जब ठंडी होती है तो पानी के रूप में, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। तो हम देखते हैं कि वर्षा का क्या कारण है। वायुमंडल में हवा के गर्म होने और जल वाष्प बनने का परिणाम है वर्षा। वायुमंडल गर्म होता है, गर्म होके पानी की भाप बन के ऊपर जाती है, जो आप बादल देखते हो ऊपर वो वास्तव में पानी की भाप ही है। तो जब स्थली भाग, स्थली मतलब जमीन वाला भाग, आप यहां देखना आपको उत्तर मिलेगा,
और जलीय भाग मतलब समुद्र के ऊपर का वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या हो जाता है? गर्म होता है। गर्म होने पर वायु में संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। संवहन धाराएं कहाँ से कहाँ की ओर बहेंगी? आप इस प्रकार देख सकते हो कि ये एक हमने मोमबत्ती रखी हुई है, और जब इस हम मोमबत्ती के ऊपर एक जलती हुई एक अगरबत्ती लाते हैं, तो हम देखते हैं कि अगरबत्ती की जो लौ है वो किस दिशा में जाती है, उसका जो धुआं रहता है वो किस दिशा की ओर रखा जाता है। तो ये भी गर्म है और वो भी गर्म है। तो इस प्रकार हम धुएं का जो गति है उससे हम बस समझ सकते हैं कि किस दिशा में गर्म और ठंडी हवाएं चलेंगी। तो जब वायु स्थल और जल के विकिरण के कारण गर्म होती है, मतलब स्थल मतलब जमीन के ऊपर की वायु और समुद्र के ऊपर की वायु, तो जल की अपेक्षा जो जमीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है। तो जमीन के ऊपर स्थल के ऊपर की जो हवा है वो उस वायु के अपेक्षा तेजी से क्या होती है? गर्म। मतलब ये हम बता सकते हैं, ये जमीन है जहाँ हम रहते हैं, यहाँ की जो वायु है और जो पानी है वहां की वायु, तो यहाँ की वायु जल्दी गर्म होगी स्थल की, और यहाँ की वायु क्या रहती है? कम गर्म होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वायु जल के ऊपर की वायु की अपेक्षा तेजी से किसकी? जमीन की। तो तटीय क्षेत्र मतलब समुद्र के तट में किनारों पर हम देखते हैं कि स्थल के ऊपर की वायु तेजी से गर्म होकर ऊपर उठती है। जैसे ही यह वायु ऊपर की ओर क्या करती है? उठती है, वहां पर हल्की हो जाती है। हल्की होती है तो वहां पर क्या हो जाता है? कम दाब उत्पन्न हो जाता है, और समुद्र के ऊपर की वायु कम दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। मतलब यहाँ की वायु स्थल की ओर क्या होगी? प्रवाहित होगी, और इस प्रकार हवा चलने लगती है, और इस प्रकार पवनों का क्या हो जाता है? निर्माण। ये प्रश्न आता है कि पवन का निर्माण कैसे होता है? तो दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से कहाँ होती है? स्थल की ओर होगी, और रात्रि में इनकी दिशा क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। रात में जो स्थल है उसका स्थल की अपेक्षा जो जल है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और जल के ऊपर की वायु स्थल के ऊपर की वायु से क्या होगी? गर्म। रात के समय में उल्टा होगा। रात के समय स्थल से हवा कहाँ बहेगी? समुद्र की ओर बहेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो हवा की जो गतियां हैं वो वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के परिणाम होने के कारण पृथ्वी पर कहीं का वातावरण गर्म हो जाता है असमान, और कहीं ठंडा हो जाता है, और इन्हीं गर्म हवा और ठंडी हवा के प्रभाव से पवन चलती है, और पवन के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, पर्वत श्रृंखलाएं, पृथ्वी की घूर्णन की गति। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पवने पाने सतह की अपने जो वायु का तापमान है उस पर निर्भर करती हैं। धन्यवाद।